आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सोमवार की रात थाना जगदीश प्रसिद्ध के सुलेकुल नगर में सड़क धंसने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। नो एंट्री के दौरान कॉलोनी में आए ट्रक में करीब 250 बोरियां लोडिंग होने के चलते सड़क धंसने से ट्रक बाल बाल पलटने से भी बच गया। मंगलवार देर रात थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के मारुति स्टेट चौराहा स्टेट लेवल नगर में सड़क धंसने से बोरियों से लोडिंग ट्रक पलटने से बाल बाल बच गया, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। देर रात आई लोडिंग ट्रक के कारण 12 फुट लंबा और 8 फुट गहरा गड्ढा हो गया, जिसके चलते सीवर व पानी की अंडरग्राउंड लाइन, 2 साल पहले ही यहां इंटरलॉकिंग रोड बनाई गई थी। क्षेत्रीय निवासियों का कहना है कि प्रॉपर अंडरग्राउंड सीवर नहीं डाली गई, जिसके चलते सीवर लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है और अंदर ही अंदर पानी का निकास ना होने के कारण रोड धस गए। ऐसे में क्षेत्रीय निवासियों का कहना है कि कई बार नगर निगम के अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती दिखी। कल शाम को ट्रक आया था, लोडिंग ट्रक था। लोडिंग ट्रक आने के बाद यहाँ गली में फंस गया। ये सीवर का काम हुआ था आज से 10 साल करीब पहले, ये काम सही नहीं हुआ है। सीवर का जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, सीवर के मैनुअल छोड़े नहीं है, कनेक्शन करे नहीं है। पानी अगर पीछे से चल रहा है तो वो यहाँ मर रहा है, अगर मरने की वजह से सड़क बैठी है, ट्रक पलटने से बचा है। अच्छा, इस सिलसिले में आपने किसी शिकायत करी? शिकायत नगर निगम के अधिकारी आए थे, सर्वे कर गए हैं, उन्होंने अपनी टीम भी भेजी है कार्य के लिए। आप देखिए आगे क्या उनका समाधान होता है। मारुति स्टेट स्थित सुलहकुल नगर क्षेत्र में ऐसे ही और भी कई गड्ढे हैं, जिनके चलते क्षेत्रीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन संबंधित अधिकारी की अनदेखी लापरवाही के चलते कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन संबंधित अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। सी न्यूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।